हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रदोष व्रत पर भगवान शिव की पूजा का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रदोष व्रत को उत्तम बताया गया है। शिव भक्त इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाव से रखते हैं। माना जाता है कि विधि पूर्वक प्रदोष व्रत करने से जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रदोष व्रत कब है, प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ समय, पूजा का शुभ मुहूर्त और प्रदोष व्रत का महत्व और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रदोष व्रत रखने से जीवन में यानी कि दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। प्रदोष व्रत उन लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी बताया गया है जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। दाम्पत्य जीवन में कलह और तनाव की स्थिति को भी प्रदोष व्रत का बहुत ही महत्व बताया गया है। प्रदोष व्रत बहुत ही कारगर माना गया है। महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस व्रत को रख सकते हैं। प्रदोष व्रत में भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और भगवान शिव की प्रिय चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही शुभ मुहूर्त में शिव आरती और शिव मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर आप प्रदोष व्रत रखते हैं तो आपको प्रदोष व्रत की कथा भी जरूर सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, प्रदोष व्रत करने से विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। जी हाँ, जिन कन्याओं के विवाह में कोई अड़चन आ रही है या फिर विवाह में देरी हो रही है तो इस स्थिति में भी प्रदोष व्रत को बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्रत के नियमों का पालन भी करना चाहिए। प्रदोष व्रत में सुबह और शाम के समय पूजा की जानी चाहिए। अब जानते हैं प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त। 9 अप्रैल शुक्रवार को चैत्र कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी प्रातःकाल 3:15 पर और 10 अप्रैल शनिवार प्रातःकाल 4:27 पर त्रयोदशी की तिथि समाप्त होगी। प्रदोष काल में पूजा का मुहूर्त होगा। पूजा का जो समय है वो 9 अप्रैल की शाम के 5:55 से लेकर के 8:12 तक। आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत करने के लिए व्रती को त्रयोदशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और नहाकर भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस व्रत में भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। इस दिन गुस्सा या विवाद से बच के रहना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और इस दिन सूर्यास्त से 1 घंटा पहले नहाकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा में कुशा के आसन का प्रयोग करना चाहिए। इस दिन शाम के समय भगवान शिव का अभिषेक करें, पंचामृत का पूजा में प्रयोग करें, पंचामृत से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, धूप दिखाएं और भगवान शिव को भोग लगाएं। इसके बाद व्रत की कथा जरूर पढ़ें या सुने। इस दिन भगवान शिव त्रयोदशी तिथि में शाम के समय कैलाश पर्वत पर स्थित अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं। इस दिन भगवान शिव प्रसन्न होते हैं।
धार्मिक पुराणों के अनुसार महादेव ने त्रयोदशी तिथि के दिन ही समुद्र मंथन से निकले विष को पिया था। जी हाँ, जिस समय महादेव विष को ग्रहण कर रहे थे उस समय प्रदोष काल था। सभी देवी देवताओं ने प्रदोष काल में महादेव की स्तुति की। महादेव ने देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर तांडव भी किया था। तभी से त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में महादेव की पूजन करने की परंपरा चली आ रही है। प्रदोष काल वो होता है दोस्तों, सूर्यास्त से 1.5 घंटे तक के जो समय होता है वो उसको प्रदोष काल माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल में महादेव की पूजा अर्चना करने से महादेव सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में ही महादेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। प्रदोष काल में महादेव की पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें और आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को शेयर करें। हो सकता है आपके द्वारा शेयर करने से किसी का इस जानकारी से भला हो जाए। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।